और बात करेंगे पंजाब की, जहां पर विजिलेंस के एआईजी को रिश्वत देने के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। 50 लाख रुपए एडवांस लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्हें गिरफ्तार किया है। अरोड़ा पहले कांग्रेस में शामिल थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहते वो मंत्री रहे हैं। कैप्टन को हटाने के बाद कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन की थी।